केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष से राशन की दुकानों के जरिए बिक्री किए जाने वाली चीनी के लिए राज्य सरकार को 18.50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाने वाली सब्सिडी नहीं प्रदान करेगी और सरकार ने पहले के दावों के निपटान के लिए बजट में केवल 200 करोड़ रुपए का ही आवंटन किया है। संसद में पेश किए गए वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में सरकार ने PDS चीनी सब्सिडी योजना के तहत बकाया दावों को भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए बजट आवंटन 4500 करोड़ रुपए है। मौजूदा योजना के अनुसार राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी खुले बाजार से थोक दर से खरीदती है और उसे प्रति किलो 13.50 रुपए की सब्सिडी प्राप्त दर पर बेचती है। केंद्र सरकार राज्यों को 18.50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी देती है।